इस वीडियो में हम ओपाम के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ओपाम में हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ प्रॉब्लम दिया हुआ है वो है कि V1 को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल लगाया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को लेकर हमारा फीडबैक R2 को थ्रू कनेक्ट किया है V0 के साथ, और ये जो 8 नोड है इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है थ्रू R1 रेजिस्टर। तो इससे हमको सॉल्व करने के लिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर इसको यहां से करंट निकाल दें कि V1 बाय R1 का करंट है जो R1 से फ्लो कर रहा है वही करंट R2 से भी फ्लो करेगा, तो उस हिसाब से हम V0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम नोड एनालिसिस को अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। तो आइडल ओपाम में क्या होता है कि जो नोड 1 और नोड 2 है इन दोनों का पोटेंशियल समान होता है, और जो करंट नोड 1 में गया है और जो नोड 2 में जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है आइडली जो RE जो इक्विवेलेंट सर्किट है हमने इसको राइट साइड में बनाया है, तो इसकी जो RI का जो रेजिस्टेंस है वो आइडल कंडीशन में इन्फिनिटी होगी। तो V1 और V2 जो नोड है इन दोनों की पोटेंशियल समान रहेगी, और या तो हम इसको V1 V2 या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये V प्लस है ये V माइनस है, तो इन दोनों की पोटेंशियल समान रहेगी और जो करंट है वो दोनों की करंट जीरो रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम अभी जो V प्लस है उसका पोटेंशियल अगर हम V1 लेते हैं इस प्रॉब्लम में, तो हम लोग इसको नोड एनालिसिस यहां पुट कर सकते हैं कि V प्लस का जो पोटेंशियल है V माइनस का पोटेंशियल वही है, तो V माइनस के जगह हम V1 लिखेंगे। तो हम नोड एनालिसिस जब अप्लाई करें तो V1 माइनस 0 नीचे की तरफ V1 माइनस 0 बाय R1 प्लस V1 माइनस V0 बाय R2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम V1 के जो दोनों एलिमेंट है उसको एक साइड ले लिए और जो V0 का एलिमेंट है R2 उसको अलग साइड में ले लिया, और जब इसको हम सॉल्व किए तो V1 का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ V0, तो V0 इज इक्वल टू V1 1 प्लस R2 बाय R1, ये हमारा जो आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ V0 आ गया। इसी को अगर हम नॉन आइडल ओपाम लेके सॉल्व करते तो उसको हमें R1 और R2 को इस तरह से लगाना पड़ता, और अगर हम इसको सर्किट्स को ठीक से बनाए तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखता, और वैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तब भी आंसर आएगा, पर उसमें हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि A का जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा है और RI टेंस टू इनफाइनाइट है और R0 टेंस टू 0 है, तो इस तरह से अगर हम एज्यूम करें तो ये कर सकते हैं। अगर हम इस जो ओपाम का सर्किट है इसको हमने अगर फिर से रीड्रॉ किया है यहां पर, इसे अगर हम इस ओपाम के सर्किट को यहां पर जो फीडबैक है वो हमने ऊपर वाले सर्किट में दिखाया कि R1 और RF है, तो अगर हम एक R2 और एक सर्किट लगाकर इसको प्लस टर्मिनल लगाते हैं तो आउटपुट आपका कैसा आता है वो देखना है। तो उसमें भी हमने देखा कि यहां पर हमारा जो है जो टर्मिनल है नोड 1 में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो, क्योंकि यहां से करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ का जो V प्लस का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V1 जितना है उतना ही रहेगा, तो और V माइनस का टर्मिनल वोल्टेज हो गया V1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V1 जो नोड 2 का जो टर्मिनल वोल्टेज है V1 माइनस V2 बाय R1 V1 माइनस V0 बाय RF। तो ये हो गया हमारा नोड इक्वेशन, इससे हमें V1 का जो पैरामीटर्स एक साथ ले लिए और V2 का पैरामीटर R1 एक साथ ले लिए और V0 को हम राइट हैंड साइड में लिख दिए। तो इससे भी हम अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर R1 और RF V1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर RF बाय R1 हो जाएगा प्लस RF कैंसिल होने से 1 और माइनस V2 इंटू RF बाय R1। तो ये हमारा आउटपुट में इस तरह से आ गया। अगर हम इस सेम सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करें, जैसे V1 को हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस टर्मिनल लगाया है, तो V1 को हम वहीं पर लगाएंगे पर एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड भी कर देंगे R3 और उसको ग्राउंड कर दिए, और V2 को भी हमने एक रेजिस्टेंस में लगाया और RF जैसे वैसे था पहले जैसा था वैसे ही कर दिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, और दूसरी बात कि यहां पर जैसे हमने आउटपुट वोल्टेज इस सर्किट के लिए बनाया, यहां पर R2 का वैल्यू हम 1 कर देंगे, अगर R2 की वैल्यू कुछ भी 1 भी करते हैं तब भी हमारा आंसर वही रहता है। पर पिछले वाले सर्किट में जैसे हमने बनाए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम लोग दोनों सर्किट को एक साथ देखेंगे तो
ओके वहां पर हमने V1 दिया था और यहाँ पर हमने कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया था और यहाँ पर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में कोई वोल्टेज नहीं देते, इसीलिए हमारा जो V2 का वोल्टेज है वो यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर कहीं V2 नहीं है। V0 इज इक्वल टू V1 के साथ ही सब लगा हुआ है यहाँ पर जितना टर्मिनल। अभी V2 एक इस सर्किट में एक V2 आ गया, सो V2 आने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी V2 और ये वाले टर्म भी आ गए। जैसे हमने सिर्फ V2 जब था माइनस ऑफ RF/R1 × V2 था और V1 के कारण यहाँ पर ये वाला, मतलब V1 के कारण हमारा जो प्लस टर्मिनल के कारण ये वाला वोल्टेज है और नेगेटिव टर्मिनल के कारण हमारा ये वाला वोल्टेज है, ठीक है। तो और अगर हमने उसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पर देख रीड्रॉ किया है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि R3 को हम ये ग्राउंड कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये सही नहीं दिख रहा, तो हमने ये जो प्लस टर्मिनल है इसको नीचे लिखा है और नोड 1 को नीचे ले आया, नोड 2 को ऊपर लगा दिए और नोड 2 में क्या लगा है R1 और RF, तो R1 और RF को हमने वैसी लगाया जैसे लगा है और यहाँ पर R2 और R3 को हमने इस तरह से लगा दिया। तो प्लस V1 को हमने प्लस टर्मिनल में लगाया है और V2 को हमने माइनस में लगाया है जैसे V1 V2 लगा होता है। तो अभी हम इसमें आउटपुट देखना चाहते हैं क्या होता है, तो इसमें भी आपका सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा कि इस सर्किट में जैसे ही आपने यहाँ पर R3 लगा दिया तो V1 का पोटेंशियल डिवीजन रूल के हिसाब से यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो V1 मतलब V प्लस टर्मिनल में जो वोल्टेज है जो कि V माइनस टर्मिनल का वोल्टेज समान है, तो V प्लस टर्मिनल का वोल्टेज जाएगा R3/R2+R3, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा नीचे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में इस R3 के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वही V1 का या V प्लस का पोटेंशियल होगा। तो इससे हमें V प्लस की पोटेंशियल मिल गई जो कि V माइनस की पोटेंशियल मिल गई। अभी V माइनस का पोटेंशियल यहाँ पर V माइनस एज्यूम करके हम नोड एनालिसिस लिख देते हैं, V माइनस माइनस ऑफ V2/R1, V माइनस माइनस ऑफ V0/RF, तो ये हमारा जो नोड एनालिसिस हो गया। अब V माइनस 1/R1 1/RF को कॉमन ले लिया और V2/R1 हो गया और यहाँ पर V0/RF इसको अलग राइट साइड में लिख दिया। अब इस अगर इससे हमें V0 की वैल्यू RF सब जगह मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ पर हमें V माइनस का भी मिल गया और V2 का भी मिल गया। अब V माइनस की जो वैल्यू है उसको हम V माइनस की जो वैल्यू है वो V प्लस की जो वैल्यू है उससे होगी, तो यहाँ पर V प्लस की वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट कर दी, तो इससे हमें इन टर्म्स ऑफ V1 मिल गया और ये हमें इतना बड़ा इक्वेशन मिल जाता है V0 का। अभी जो V0 का जो इतना बड़ा इक्वेशन मिल जाता है आपको यहाँ पर ये है V0, तो ये वाला जो V0 का इक्वेशन मिल जाता है इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा एज्यूम्शन लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा RF और R3 ये दोनों समान है, RF और R3 समान है और R1 और R2 ये दोनों हम अगर बराबर रखें और RF और R3 को बराबर रखें तो हमें R3 की जगह RF लिख दिया, यहाँ पर R3 की जगह RF लिख दिया है और R2 की जगह यहाँ पर R2 की जगह R1 लिखा हुआ है, तो हमने ऐसे इसको R3 और R2 को बदल दिया, मतलब चेंज कर दिया, R3 की जगह RF R2 की जगह R1। तो ये कटने के बाद हमें डायरेक्टली जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो है RF/R1 V1 - V2, तो ये RF/R1 V1 - V2 डायरेक्टली जो वोल्टेज प्लस में लगा है उसका V1 - V2, तो ये हमारा आउटपुट बन जाता है V0 = तो ये हमने सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो यहाँ पर हमने जैसे चार रेजिस्टेंस लगा दिए, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो V2 लगाकर उसको फीडबैक दिया और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसमें V1, पहले हमने सिर्फ V1 दिया था, फिर ओनली R2 दिया, फिर ओनली R2 एंड R3 दोनों दिया, तब हमने देखा कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ओपाम के ऊपर।